राजस्थान के चूरू शहर के कारोबारी से वीडियो कॉल के जरिए रंगदारी मांगने के आरोप में पंजाब की बठिंडा हाई सिक्योरिटी जेल से पूछताछ के लिए चूरू लाए गए गैंगस्टर संपत नेहरा ने कई राज उगले हैं। पुलिस और एसओजी की टीम की पूछताछ में उसने लॉन्च बिश्नोई गैंग के इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स की जानकारी दी है। उसने पुलिस को बताया कि देश के चर्चित हत्याकांडों में उपयोग की गई जिगना पिस्टल की सप्लाई गिरोह को दिल्ली में मिलती है। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट है। उसे पूरा करने के लिए उसने पहले रेकी की थी। गिरोह अब भी इस टारगेट पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक संपत नेहरा ने स्वीकार किया है कि उसने अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी और आपसी रंजिश को लेकर जेल से करीब 50 हत्याएं करवाई हैं। मौजूदा समय में उसकी गैंग में कई शहरों के करीब 300 गुर्गे शामिल हैं जो उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। गैंगस्टर नेहरा ने बताया कि लॉरेंस के कहने पर ही उसने पाकिस्तान में 3 लोगों की हत्या करवाई थी। इसके अलावा यूपी के डॉन अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या भी गिरोह की ओर से हथियार पहुंचाने की बात कही गई है, लेकिन इस मामले की जांच में यूपी पुलिस के सामने लॉरेंस का कनेक्शन सामने नहीं आया। हालांकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर संपत नेहरा ने बताया कि मूसेवाला की हत्या के लिए लॉरेंस के कहने पर खुद के कई गुर्गों को भेजा था। संपत नेहरा ने बताया कि रोहित गुदारा से भी उसका कॉन्टैक्ट है। गैंगस्टर संपत नेहरा को यहाँ लाने के बाद पुलिस ने उसके घने बालों को छोटा करवा दिया। साथ ही उसने करीब 1.25 लाख रुपए कीमत के जूते पहन रखे थे। पुलिस ने उन्हें उतरवा कर चप्पलें पहना दी। इसके अलावा उसके ब्रांडेड कपड़े उतरवा कर एक टी शर्ट और लोअर पहना दिया। अपराधी संपत नेहरा को 5 दिन की पूछताछ के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वापस बठिंडा जेल भेज दिया गया है। उससे पुलिस और कई एजेंसियों ने पूछताछ की है। पूछताछ में आए तथ्यों की जांच की जा रही है। सलमान खान 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में काले हिरणों का शिकार कर चुके थे। काले हिरणों को बिश्नोई समाज भगवान मानता है। यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई की गिरोह सलमान खान को मारना चाहता है। आपको बता दें कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ न्यायालय में मामला विचाराधीन है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को काले हिरणों का हत्यारा मानता है। जोधपुर कोर्ट परिसर में पुलिस की सुरक्षा में लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार कहा था कि हम सलमान खान को मारेंगे और यहीं कोर्ट में मारेंगे। इस बयान के बाद सलमान खान की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन सलमान खान के खून के प्यासे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह आज भी सलमान की हत्या की मौके की तलाश में है।